तो हाँ, पांच ऐसी मूवीज बताने वाला हूँ ना जिसे देखने के बाद लगेगा ना कि ऐसा ही मूवी देखना है, इससे अलग मूवी तो देखना ही नहीं। बॉस लत लग जाएगी, एक कमाल की मूवीज होने वाली है। और ये सभी मूवीज का लिंक ना तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके डायरेक्टली देख सकते हो। और सभी इसके सभी हिंदी डब में अवेलेबल मिल जाएगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बार मैं हार जाऊंगा ऐसा लग रहा है। तो पहली मूवी है 7.1 IMDb रेटिंग के साथ शिवाजी सुर्तकार, एक पुलिस ऑफिसर जो एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक रिजॉर्ट में विजिट करता है। और मर्डर किसका हुआ है? मंत्री के बेटे का। और जब वो वहाँ जाके इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करता है और इन्वेस्टिगेट करता है, तब जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता है ना, वैसे उसे वहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने का अनुभव करना पड़ता है उसे। और फिर वो चेक करता है और इन्वेस्टिगेट करता जाता है। फिर जो लास्ट में क्लाइमेक्स हमें देखने को मिलता है ना, वो टोटली यार शॉक करके रखेगा। कमाल का इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर मूवी है, इसे तुम एक बार इंजॉय तो कर ही सकते हो। हिंदी डब के साथ यूट्यूब पे अवेलेबल है, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। साइंस फिक्शन मूवी हो और साथ में टाइम ट्रेवल का तड़का लग जाना, तो मूवी देखने में ना अलग लेवल का मजा आता है। तो ये मूवी वैसा ही कुछ है। 7.11 PM जो कि 6.1 IMDb रेटिंग के साथ रिलीज हुई थी। और ये मूवी ना टाइम ट्रैवल पे बेस्ड है, साइंस फिक्शन मूवी है और साथ साथ टाइम ट्रैवल है। स्टोरी दिखाया जाता है एक शहर का और एक अदर प्लैनेट पे, जहाँ पे सेम टाइम को 7:11 PM पे कुछ ऐसी घटनाएं होना स्टार्ट हो जाता है ना, जिसको ऐसे डिफाइन करना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और इन सभी को रोकने के लिए अपना हीरो, जो इस मूवी का हीरो है, वो टाइम ट्रैवल करके पास जाता है और सभी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और साथ साथ शहर में कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज़ हो रहा है जो कि क्रिमिनल कर रहा है, उसे भी रोकने की कोशिश करता है। तो ये कमाल का टाइम ट्रैवल पे बेस्ड मूवी है, तो एक बार तो चेकआउट कर ही सकते हो। साथ साथ साइंस फिक्शन का तड़का भी है, तो मजा आ जाएगा देख के। और वो तमिल लैंग्वेज की थी, बट ये हिंदी डब में यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ जाके देख सकते हो। की 5.6 IMDb रेटिंग के साथ कना बदुर टलडू, अबे क्या नाम है अजीब सा, देख लेना जो भी तुम्हें यहाँ पे नाम दिख रहा हो, तो पढ़ ली अजीब नाम है ना थोड़ा। चलो कोई बात नहीं, हम बात करते हैं अगर स्टोरी लाइन की बात करें तो इसमें हमें एक पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जो एक अजीबो गरीब केस को सॉल्व करने की कोशिश करता है। साथ साथ इसी के पैरेलल में एक और स्टोरी चल रहा होता है, एक कपल का जो ना शादी से नाखुश होते हैं, वो अपने पास्ट में कुछ चीज़ों को ढूंढ रहे होते हैं अपने सवालों का जवाब पाने के लिए। तो ये दोनों केसेस एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है और आगे जाके क्लाइमैक्स में ये दोनों कैसे एक साथ रिलेट करते हैं, वो देखने के लिए तुम ये मूवी देख सकते हो। काफ़ी कमाल का सस्पेंस प्रोवाइड कराने वाली मूवी है, तो एक बार चेकआउट तो कर ही सकते हो। हिंदी डब में अवेलेबल है, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, मिस बिल्कुल मत करना, क्योंकि कमाल का तुम्हें कहते हैं ना वो प्रोवाइड करने वाला एक्सपीरियंस, तो एक बार चेकआउट जरूर करना। रेटिंग के साथ एक इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर मूवी आद्या, ये एक इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर मूवी है। अगर तुम्हें इन्वेस्टिगेशन देखना मजा आता है ना, तो ये तुम्हारे लिए मस्ट वॉच होने वाला है और डेफिनेटली ये मूवी पसंद आएगी। अगर मैं बेसिक स्टोरी लाइन की बात करूँ तो इसमें देखने को मिलता है एक आदमी जो अपनी दोस्त की बेटी को किडनैपिंग होने पे वो वहाँ पे जाता है उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए और उसकी मदद करने के लिए कि उसकी बेटी कहाँ पे गई है, किसने किडनैप किया है, किडनैपिंग का कारण क्या था, अगैरह 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 वगैरह बहुत सारे सवाल है, जवाब सिर्फ एक है ये मूवी। तो तुम देख सकते हो कमाल की मूवी होने वाली है। अगर इन्वेस्टिगेशन तुम्हें पसंद है ना बॉस, इन्वेस्टिगेशन वाली मूवी, तो इस मूवी को मिस करने की गलती तो बिल्कुल मत करना, चेकआउट जरूर करना, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है और हिंदी डब में अवेलेबल है, सारी हिंदी डब वाली मूवीज है, तो जरूर देखना। आ चुका हूँ मैं नंबर 1 की मूवीज पर। ये मूवी ना जितने भी अभी मैंने बताए सारी मूवीज में से सबसे बेस्ट मूवीज है, मेरा पर्सनल फेवरेट मूवी है। 5.9 IMDb रेटिंग के साथ एक क्राइम थ्रिलर मूवी है नेत्रिकन। इसमें तुम्हें मेन लीड एक्टर में देखने को मिलेगा नयनतारा। कहानी है चेन्नई शहर की, जहाँ पे सीरियल किडनैपिंग हो रहा है और एक एक्स पुलिस ऑफिसर जो कि इस केस का प्राइम विटनेस है, वो इस केस को सॉल्व करने में पुलिस वालों की मदद करने की कोशिश करता है और इसके पीछे का कारण पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर कौन है जो इन सभी सीरियल किडनैपिंग को अंजाम दे रहा है और इसके पीछे का कारण क्या है, ये सब पता लगाने की कोशिश करती है। लेकिन ये है ब्लाइंड,
देख नहीं सकती यार, फिर भी साथ देने की कोशिश करती है और बताने की कोशिश करती है। तो कहानी में आगे क्या होगा और क्या क्या होगा, किस तरह से सस्पेंस और ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं, वो सब देखने के लिए तुम ये मूवी देख सकते हो। काफ़ी कमाल की मूवी है, हिंदी डब के साथ अवेलेबल है, तो एक बार चेकआउट करना तो बनता है। और भाई का पर्सनल फेवरेट है तो चेकआउट जरूर करना। इन्हीं सब के साथ मैंने इस टॉपिक पर भी बात किया है, तो एक बार चेकआउट कर सकते हो। यहाँ भी तुम्हें बेस्ट बेस्ट और मस्त मस्त मूवीज मिलने वाली है। पीस आउट।